कांग्रेसियों ने जो इसके अंदर भारत में जो झूठ लपेट और जो इस्लामिककरण करने की जो कोशिश कर रखी थी ना, इसके जो खुलासे हमारे सामने ला करके रखे हैं हमारी मोदी सरकार ने। और हम तो ये नहीं बता सकते क्योंकि 24 में तो वो सरकार पुनः आ रही है और भारी मतों से आ रही है, जैसा कि पिछला रिकॉर्ड भी इस बार और अच्छे तरीके से टूटेगा। अब मैं कह रहा हूँ, अगर कोई यहाँ पर, अगर मैं यहाँ खा रहा हूँ इस टाइम, पालिका में खड़ा हूँ मैं इस टाइम, कोई यहाँ पर मेरे भगवान के बारे में बोल के दे दे, कोई कुछ टिप्पणी करके दिखा दे, या तो मैं 302 के मर्डर केस में अंदर, ठीक है, या तो वो अधमरा 307 में। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी ना, ये कांग्रेस पार्टी की अंतिम यात्रा थी, इसके बाद में कोई यात्रा भी नहीं निकलेगी। ये साले 2-2 टके के आदमी है, कीड़े मकोड़े हैं ये, गटर के गलती से पानी के बहाव से ऊपर आ जाते साले, फिर बह करके गटर में जाएंगे ये। आप बताइए कि 2024 से पहले तमाम मुद्दे लग रहे हैं, आरोप ये लग रहा है कि देश में जब से मोदी सरकार आई है तमाम जो है पार्टियां आरोप ये लगा रही हैं कि विकास नहीं हुआ है, देश को बर्बाद कर दिया गया है। जो जो देश में युवा सैनिक में जा रहे हैं उनको जो है रोजगार 5 साल का एक लॉलीपॉप दिया गया है, क्या कुछ कहना आपका है? एक बताओ, भारत माता की जय सब लोग कहते हैं ना, भारत माँ की जय बोलने से हो गया काम? बस भारत माता की जय मतलब कि ये ड्यूटी केवल ये आर्मियों की, जो हमारे मिलिट्री, जो हमारे भाई खड़े हैं उन्हीं की ड्यूटी है इस देश को बचाना, इस देश के विकास उन्हीं की ड्यूटी है क्या यार? अगर वो वहाँ खड़े हैं तो यहाँ विकास हो रहा है। और देखो 2014 के बाद विकास तो हमने बहुत सारे देखे हैं, ठीक है जी, बहुत सारे विकास देखे हैं। राम मंदिर का भी देखा मुद्दा, धारा 370 का भी देखा है, CA का भी देखा है, ट्रिपल तलाक का भी देखा है, और भी वगैरह वगैरह बहुत सारे हम लोगों ने, उसके बाद लास्ट में अब ख़त्म होते होते हमने वक्फ बोर्ड का ही मुद्दा देखा है, जो भारत के अंदर मुसलमानों के पास सबसे तीसरी अगर कोई जगह बड़ी है तो वो मुसलमानों के पास, सबसे बड़ी रेलवे के पास, दूसरी आर्मी के पास, तीसरी वक्फ बोर्ड मुस्लिमों के पास। ये क्या चल रहा है? ये 2014 के बाद है ना, ये विकास ही है जो ये कांग्रेसियों ने जो इसके अंदर भारत में जो झूठ लपेट और जो इस्लामिककरण करने की जो कोशिश कर रखी थी ना, इसके जो खुलासे हमारे सामने ला करके रखे हैं हमारी मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने, तो ये सब वही चीज़ें हैं कि अब मुद्दा वो नहीं है कि रोटी कपड़ा मकान, भैया मुद्दा ये है कि अपने आप बचाए कैसे, अपने धर्म बचाए कैसे, अपनी भारत माताओं को बचाए कैसे। क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग टिप्पणी, राम मंदिर का फैसला आ गया राम मंदिर का फैसला, वो आकर के बयान देता है कि राम मंदिर 50 साल बाद, जब हम इस देश के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे, जब हम लोग मुसलमान जब 50% हो जाएंगे, तो जब IAS ऑफिसर जो होगा, IPS होगा, कमिश्नर होगा, DCP होगा, जज होगा, SHO होगा, सब इंस्पेक्टर होगा, जो भी थाने में होंगे तो हम ही होंगे। और फिर उसके बाद एक बंदा, एक नॉर्मल मुसलमान आदमी जाएगा और दरख्वास्त देगा जज के सामने सुप्रीम कोर्ट में कि लो जी जज साहब, ये राम मंदिर जो होता है ये बाबर की मस्जिद थी। पहली बार तो मस्जिद तो जो अल्लाह और खुदा की होती थी, ये बाबर की मस्जिद हमने पहली बार सुनी है भाई साहब, ठीक है जी। तब जाकर के क्या सुनवाई आएगी वहाँ से? तब सुनवाई यही आएगी जब अभी से धमकी दे रहे, तो इस देश के 100 करोड़ सनातनियों को सोचना चाहिए। मुद्दा ये है ना, महंगाई रोटी ये कुछ नहीं है यार। 2013 में भी ना 1200 कुछ रुपये का सिलेंडर था, अगर आज 1300 रुपये का 100-150 रुपये 200 रुपये भी महंगा सिलेंडर है ना, तो मेरे को लग रहा है महंगा सिलेंडर है ही नहीं। नहीं, लेकिन आप लोग BJP की बात कर रहे हैं, BJP का पक्ष रहे हैं, तमाम काम किया है BJP की ही राज्य में, रामचरितमानस का अपमान होता है, फाड़े जाते हैं उस, एक स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उनको आपने देखा है, उनके समर्थक फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, BJP क्या कर रही है जब उन्हीं के हिंदुत्व का झंडा उठाती है BJP, लेकिन उन्हीं के प्रदेश में अपमान हो रहा है रामचरितमानस का, जहां से राम जी की जन्मस्थली जा रही है, क्या कुछ? अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, साले वो नकली हिंदू हैं, नकली हिंदू, क्योंकि उन्हें ना इतने, अब इनकी उम्र मेरे ख्याल से 42-45 साल की उम्र हो रही है उसकी, उसको अभी तक नहीं पता चला होगा कि मेरा बाप कौन है। अब उस साले नालायक को अब पता लगा मेरा बाप ना कोई दूसरा ही है, कोई दूसरे धर्म का है। तो रामचरितमानस की जो उसने अपमान करा ना भाई साहब, अब मैं कह रहा हूँ अगर कोई यहाँ पर, अगर मैं यहाँ खा रहा हूँ इस टाइम, पालिका में खड़ा हूँ मैं इस टाइम, कोई यहाँ पर मेरे भगवान के बारे में बोल के दे दे, कोई कुछ टिप्पणी करके दिखा दे, या तो मैं 302 के मर्डर केस में अंदर, ठीक है, या तो वो अधमरा 307 में, अगर मेरे धर्म के बारे में मेरे सामने कोई धमकी देगा, कोई गाली देगा, भगवान को अपमानित करेगा, तो उस कुत्ते की तरह मारूंगा। और कोई मुसलमान धर्म के बारे में भी अपमानित बोलेगा ना, तो उसे पकड़ के यहाँ मुर्गा बनाऊंगा और किसी मुसलमान भाई को ढूंढूंगा, ऐसे ऐसे बोला है उसने। ये साले कुत्ते के बच्चे कहाँ से आते हैं, ये लोग कौन है, ये लोग कौन है, ये लोग इनकी औकात क्या है? मैं तो सोशल मीडिया वालों को बोलता हूँ, मैं सोशल मीडिया वालों से ही बोलना चाहता हूँ, इतनी TRP देख रहे हैं उन लोगों को रामचरितमानस। और मैं तो हिंदुओं को भी कहना चाहता हूँ, अरे हिंदू अगर आप अभी नहीं जागे तो फिर आप भागे यहाँ से। आज रामचरितमानस पर हुआ है, कल तुम्हारे क्या कहते हैं, कल तुम्हारे उस पर धर्म के ऊपर क्या कहते हैं, हनुमान चालीसा पे भी बात आएगी, फिर गीता पे भी बात आ जाएगी। अरे जब इनकी सालों की 2 टके की औकात नहीं है, इन सालों की हमारे सनातन धर्म की, उन्होंने रामचरितमानस को आग भी लगाया, फाड़ के भी फेंका, ठीक है जी, फाड़ के ज़मीन पे फेंका। अरे यार कुरान के कुछ पेपरों में कुछ आया तो मैं भी लिखा हो भाई, उसके बारे में भी तो बोलो, अगर तुम्हारी है औकात तो बोल के दिखाओ सालों, तुम लोग कुरान के और बाइबल के ऊपर बोल के दिखाओ सालों, तुम फादर फादर करते रहे तो बोल के दिखाओ तुम्हारी औकात है तो कोई सालों।
ये साले दो दो टके के आदमी है, कीड़े मकोड़े हैं ये, गटर के गलती से पानी के बहाव से ऊपर आ जाते हैं, साढ़े फिर बह करके गटर में ही जाएंगे ये, देख लेना। आपको नहीं लगता कि बीजेपी वापसी कर पाएगी 2024 में एक बार दोबारा से? दोबारा क्यों, कोई शक है आपको? दोबारा फिर से आएगी बीजेपी 2024 में, दोबारा फिर आने वाली है, कोई नहीं रोक पाएगा। और ये जो जितने जो घूम रहे हैं ना विपक्षी, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी राहुल गांधी की, हाँ उसमें करोड़ों रुपए के तो वो चल रहे थे कंटेनर, हाँ एक टी शर्ट में भारत जोड़ो यात्रा निकाली है राहुल गांधी ने। क्यों भाई, उसको सर्दी नहीं लगती? सर्दी तो लगती है, कह रहे हैं राहुल गांधी नहीं सर्दी लगती है उनको। कौन कह रहा है सर? राहुल गांधी। अरे भैया सर्दी सब लगती है, अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीज़ खा रहा है वो, उसको ज़रूरत नहीं है। वो नंगा भी चल देगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कच्चे में भी चलेगा ना भाई तब भी उसको कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी ना, ये कांग्रेस पार्टी की अंतिम यात्रा थी, इसके बाद में कोई यात्रा भी नहीं निकलेगी, इसके बाद में कोई यात्रा नहीं निकलेगी। अब ये पार्टी ख़त्म है, और मैं देशवासियों से बता देना चाहता हूँ कि भैया अब कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा। और गांधी जी की भी, गांधी जी का जो सपना था ना देश आज़ाद होने के बाद में, उन्होंने कहा था कि अब कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दो, उनका भी सपना पूरा होगा और ये बेचारे देशवासियों का भी सपना पूरा होगा। भाई साहब 60 साल में 62 घोटाले कर दिए इन लोगों ने, कौन सा घोटाला नहीं किया, 2G 3G फलाना जी, पता ना भाई साहब इतने, मैं गिनवाते गिनवाते दूसरा दिन लग जाएगा, दो दिन लग जाएंगे मेरे को गिनवाने में, इतने घोटाले हैं इनके। आपको लगता है कि मोदी सरकार ने क्या ऐसे काम किए हैं कि दोबारा से एक बार 2024 में जनता उनको दोबारा चुने? क्योंकि एक बात बताओ, क्या काम नहीं किए? ये हम खड़े हैं कनॉट प्लेस में, 2014 से पहले जब मैं यहाँ पे आता था तो यहाँ पे बोर्ड लगे रहते थे बड़े बड़े, और बोर्ड पे लिखा था कि भैया लावर इस वस्तु को हाथ मत लगाना, इसमें बम भी हो सकता है। आज मैं वही बोर्ड देख रहा हूँ कहाँ है, मुझे तो नज़र नहीं आ रही। हाँ इन देशवासियों की सुरक्षा, इनके लिए हर एक चीज़, देखो 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी देश की बेटियां खुले में सोच कर रही हैं। अच्छा लगता आपको भाई, देश की बेटियां आज भी 70 साल आज़ादी को हो गए फिर भी खुले में सोच कर रही हैं, ये विकास है? हाँ शौचालय मिला है, और आज भी देश के कुछ कोने ऐसे हैं जहाँ पे लाइट बिजली नहीं पहुँची है, नरेंद्र मोदी जी ने पहुँचाई है। आज भी बहुत सारे काम ऐसे हैं, इंडिया में कितने एयरपोर्ट थे पहले 2014 से पहले, और आज कितने हैं, बढ़ी रही है तादाद। अब आप देखना दिल्ली से मुंबई 12 घंटे पहुँचेंगे, 10 से 12 घंटे में। आपको लगता है कि 2024 का पहले से लगातार दोनों पार्टियाँ जो है अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रही हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? क्योंकि बीजेपी कह रही है हमने तमाम विकास जो है किए हैं, लेकिन कांग्रेस का आरोप है देश में जो है नफरत बस फैलाया गया है, आपका क्या कुछ कहना है? जब पिछले 60 साल तक कांग्रेस का सत्ता सरकार था तब उनको ये चीज़ें पता नहीं थी कि क्या चीज़ें ऑफिशियली हैं कि नहीं हैं। आज भाजपा को माननीय प्रधानमंत्री जी का 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, 2024 में हो जाएगा, तो क्यों ऐसा वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है? क्या नहीं हुआ है? लोग कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है, उसको पहले आप जानिए पढ़िए। उसके बाद हॉस्पिटल्स खुले गए, मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, वाराणसी का हूँ, मैं प्रेसिडेंट कैंडिडेट हूँ अपने यूनिवर्सिटी का, तो कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ को दबाया जा रहा है। मैं भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ही कार्यकर्ता हूँ, और छात्र संघ एक पहली सीढ़ी होती है राजनीति की। हमारे केंद्र में प्रधान माननीय महेंद्रनाथ पांडे जी हैं, जो कि पूर्व में छात्र संघ के ही महामंत्री रहे BHU के, यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में भी इलेक्शन होते हैं, तो मैं अभी तो प्रेसिडेंट कैंडिडेट हूँ वाराणसी का, तो मैं बात ही करने आया हूँ कुछ सीनियर अपने लीडर से। और आपको, आपसे अगर जाना चाहें कि क्योंकि देखिए भारत जोड़ो यात्रा के जरिए प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी राहुल गांधी की हो रही है, प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी नहीं हो रही है, वो अपना कर्म कर रहे हैं, ना कि वो प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी उनको की जा रही है, वो एक तरीके से प्रचार कर रहे हैं। अब तक तो कांग्रेस दब चुकी थी, सो चुकी थी, तो एक ये माध्यम है भारत जोड़ो यात्रा, ना कि वो उनको प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा से जिंदा हो पाएगी कांग्रेस, क्योंकि हमेशा हर राज्य से जा ही रही है? तो जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है और जो उस रैली में पीछे चल रहा है, ये तो वही बता सकते हैं, और हम तो ये नहीं बता सकते, क्योंकि 24 में तो वो सरकार पुनः आ रही है और भारी मतों से आ रही है, जैसा कि पिछला रिकॉर्ड भी इस बार और अच्छे तरीके से टूटेगा। लेकिन ये भी आरोप लगता है कि ED CBI सबका दुरुपयोग करके केजरीवाल खुद परेशान रहते हैं यहाँ पे, दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है, जो 60 साल से इन लोगों ने जो दुरुपयोग किया है उसको दिखाया जा रहा है कि एक्चुअल में उनका रीजन क्या था, वो कर क्या रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं, कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है ED CBI का।